साजी क्या गिफ्ट दे गए, क्या क्या गए इसके बारे में? यार होंडा कंपनी वाले हमेशा की तरह कुछ गिफ्ट भी देके गए हैं। हाँ जी, जिसमें आपको दिखा दें कि ये एक गिफ्ट है, बहुत ही प्यारी है, बोतल है पानी की। ठीक है, ये रहे हमारे गेस्ट। मेरे ख्याल में इन्होंने अंडे दे दिए हैं। अच्छा, ये वाला हमने से प्यासा का, प्यासा का सुना है उस साल की बात सुन के, प्यासा का सुना उसाजी से, प्यासा का सुने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहीम हाशमी एंड यू आर वेलकम इन माय व्लॉग। तो होंडा डीलर वाले जो हैं वो आए हैं हमारी शॉप पे, उनके उस्ताद वकार के साथ बहुत अहम मीटिंग है, ज़रूरी मीटिंग हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उनकी गाड़ी खड़ी है एटलस होंडे की, आप देख सकते हैं। तो वो हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। पहले की तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि होंडा डीलर वाले हमें जब भी आते हैं गिफ्ट ज़रूर देकर जाते हैं। क्यों देकर जाते हैं? वो रीज़न ये है कि हमारा जो है पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान का नंबर वन चैनल बाइक के रिलेटेड, ठीक है। तो इस वजह से होंडा डीलर वाले हमें हर महीने गिफ्ट ज़रूर देकर जाते हैं। जो हमारे न्यू गेस्ट आए हैं, अब उनके बारे में जानते हैं कि उनकी जो तबीयत वगैरह है वो कैसी है। ये रहे हमारे गेस्ट। मेरे ख्याल में इन्होंने अंडे दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं दिया, अभी देने वाले ही हैं। क्योंकि ख्याल में ना ये अंडे देने वाले हैं, क्योंकि जो तोती है ना वो हर वक्त अपने घर में बैठी रहती है, ठीक है। तो ये अभी हम इनका खाना वगैरह देखते हैं कि है या इनको रखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, खाना वगैरह तो इनके लिए, ज़्यादा इनको खाना रखना नहीं है, ये ज़ाये करते हैं, पानी चेक करते हैं। पानी भी ठीक है मेरे ख्याल में तो। अच्छा बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम चलते हैं वर्कशॉप में, जो होंडा कंपनी गिफ्ट दे के गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या उस्ताद वकार बैठे हैं, हम उस्ताद वकार से जानते हैं कि वो होंडा कंपनी वाले हमें क्या गिफ्ट दे गए हैं। उस्ताद जी क्या गिफ्ट दे गए हैं, क्या क्या गए इसके बारे में? यार होंडा कंपनी वाले हमेशा की तरह कुछ गिफ्ट भी दे के गए हैं। हाँ जी, जिसमें आपको दिखा दें कि ये एक गिफ्ट है, बहुत ही प्यारी है, बोतल है पानी की, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की है, अच्छी क्वालिटी है, देख सकते हो ना, तो होंडा ही जैसा। यहाँ पे भी एड्रेस होंडा होंडा लिखा हुआ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, ये देखें, ठीक है। जिम के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, घर से दूध जूस वगैरह कोई चीज़ भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं, पानी वगैरह का भी इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही प्यारी चीज़ है। उसके अलावा कंपनी हमें कुछ पोस्टर्स दे के गई है, ठीक है, न्यू मॉडल आया था, ठीक है, ब्लू कलर में, उसके पोस्टर्स हैं, ये दो पोस्टर हैं हमारे पास उसके, ठीक है, ये भी हम लगाएंगे अपनी वर्कशॉप में। और इसको पकड़ो ज़रा। इसके अलावा जी ये पोस्टर्स काफ़ी सारे हमारे पास आए हैं अभी होंडा कंपनी, ये स्टिकर्स हैं, ठीक है, लग सकते हैं। इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो भी हमने बनानी है, कंपनी वाले कह के गए हैं हमें वीडियो का, ये वीडियो भी हम बनाएंगे ताकि आपको पता चले। और सबसे मेन चीज़ ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा फ्लैक्स है, इसको ज़रा चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। ये भी अभी लेके गए हैं और अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम इसको हम ओपन कर रहे हैं। फ्लैक्स आप देख सकते हैं प्रॉपर, बहुत उन्होंने खूबसूरत करके बनाया हुआ है, 24 मॉडल का फ्लैक्स है ये। उसाज ये लगाना है अभी? हाँ ये भी लगाना है। तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है किसी ना किसी तरह। तो बड़े वाला पोस्टर जो है वो लग गया, अब जो छोटे वाले पोस्टर हैं वो हमने लगाने हैं अंदर, तो फिलहाल अभी नहीं लगाएंगे, अभी दीवारों वगैरह की सारी सफाई करनी है, सफाई करने के बाद फिर हम लगाएंगे। तो सबसे फनी और हंसने वाली बात ये है कि ना हमारे पास एक शागिर्द आया,
उसको ना स्कूल से निकाल दिया। अब वो स्कूल से क्यों निकाला है, टीचर ने उससे पूछा कि मुझे प्यासा कहवा सुना। अब टीचर को पता भी क्या कहता है, कहता है कि जो प्यासा कहवा मुझे आता है ना, वो शायद स्कूल में किसी हेडमास्टर को भी नहीं आता, वो आपको भी नहीं आता, जितने बच्चे बैठे हैं किसी को भी नहीं आता। अब टीचर बड़ी परेशान हुई कि ऐसा कौन सा प्यासा कहवा है जो इसको आता हमें नहीं आता। जब टीचर ने सुना उससे प्यासा कहवा, तो उसने माशाल्लाह से इतना प्यारा सुनाया कि उसको इस बात से स्कूल से निकाल दिया गया। वो बच्चा कौन सा है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और हमने उससे सुना है प्यासा कहवा। बच्चा ये वाला हमने से प्यासा कहवा सुना है, उस साल की बात सुन के प्यासा कहवा सुना, उस साजी से प्यासा कहवा सुने, प्यासा कहवा तो सुना। तो प्यासा कहवा उसने हमें सुनाया नहीं है, क्या कह रहा है कि मेरे वाली साहब ने मुझसे लड़ना है, तो जब कभी मौका मिलेगा उसकी चुप करके वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो वो मैं खुद भी सुनूंगा, मैंने भी अब तक नहीं सुना। उसने वर्कशॉप में सिर्फ दो तीन लड़कों को सुनाया, बहुत मजाया सा है, ठीक है। अपनी वीडियो का ये प्यार करके आपने अभी तक रहीम हाशमी ज्वाइन नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके रहीम हाशमी को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल और का फिर।